अब तो पूरी मेहंदी का फंक्शन घर की लड़कियां निपटा देती हैं। देखें आप, बेचारे सारे डांसर घर में बैठे होते हैं, या तो नेट पे बैठे होंगे, या वो पैकेज चल रहा है नाइट वाला, उसमें लगे होंगे। यार प्रोग्राम बताओ, क्या प्रोग्राम? नादिया खान शो? नहीं, नादिया खान पागल, दुबई जाएंगे हम लोग। तो लोकल चैनल देखो, धूम वूम, मेट्रो, ये उसमें ट्राई करो, उसमें वहां से तो हम स्टार्ट हो ही जाएंगे। इनको भी मैं जानता हूँ, इन्होंने भी मैंने आपके साथ किया है शायद, फारूक के साथ। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए उमेर, कि क्या मुझे सिर्फ इतनी बात समझ नहीं आती कि वहां पर अभी भी क्या अभी भी वही कल्चर है जो ये बता रहे हैं, कि अब पंजाब में भी, लाहौर में भी वही सिनेरियो है जो इस वक्त अली शाह साहब बता रहे हैं कराची का? जी हाँ, काफी हद तक इस तरह से ही है, लेकिन मतलब मैं जिस तरह स्कूल्स में टीच कर रहा हूँ, मतलब सारे मतलब सीख हैं और काफी लोगों को शौक भी है। हाँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ उनको पिछले सालों से, लेकिन क्या बेटरमेंट आई है? नहीं रहा जिस तरह पहले होता था। बेटरमेंट आई है? हाँ जी, बेटरमेंट काफी हद तक। इसे तुम्हारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद, गुजरात से। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ा करम, आप बताइए। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपने लोगों को बुलाया है, मैंने किया कि मैं भी आपको फोन करूं। जी सर, ये जो लोग है ना, ये जो आप पर बैठे हैं, इनको मार्केट को इज्जत नहीं दी जाती। तो मगर ये है कि अगर लोग ये समझ जाए ना कि इनकी पैदाइश के पीछे अल्लाह ताला का एक मूल है, जिस घर में पैदा होते हैं ना, वहां पे तो अल्लाह डबल ग्रैंड से नाजर होती है। ये आपको पता ही है इनकी पैदाइश के पीछे क्या है? क्या है सर जी? जावेद साहब, हेलो हेलो, क्या कह मुझे इनकी पैदाइश के पीछे क्या राज है? नहीं, वो एक्चुअल बताऊं, नरगिस का मुझे देखने वाले शख्स ने गुजरात से है ना, नरगिस वहाँ उनके बगैर रह नहीं सकते लोग, तो शायद मेरे अंदर उनको नरगिस के रूप में जाना। नहीं नहीं, आई एम श्योर। मुल्तान से इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम मुल्तान साहब। इमरान साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम सर, आप फरमाइए। मैंने आपका भी प्रोग्राम देखा, तो उसमें मैं देख रहा था कि ऑडियंस से आपने जो राय ली है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लोग सिर्फ राय देना चाहते हैं, तंज करना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर ये जब किसी घर में जो शख्स जो हालात फेस कर रहा होता है, उसके घर में क्या हालात है और उसके अंदर कुछ है, वो अपने आप को मनवाना जानता है, अगर वो मनवा रहा है तो उस पर उसके खानदान के लोग, उसके मोहल्लेदार, उसके रिलेटिव, उसके दोस्त तंज करेंगे, जेलस होंगे। अगर ये शख्स है, अगर ये सोच रहे, मैंने प्रोग्राम देखा, मैं इनको नहीं जानता, कि कोई डांसिंग मैंने देखा, कुछ नहीं देखा, उनको देखा कि मैंने वो किस तरीके से आगे गए हैं और किस स्टेज पे वो इस टाइम आए हुए हैं, क्योंकि मैं काफी अच्छी हूँ ना, सब अपने आपको मनवाया है। हम लोग सिर्फ तंग कर लेंगे, ताने दे लेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो बहुत सी चीजों को इजाजत नहीं देता। हमारे गवर्नमेंट महकमे चले, हमारी सियासत देख लें, हमारे जो से मर्जी देख लें, उसमें क्या इस्लाम ये सियासत देता है? इनको जहां पर तंग मिला अपने ही घर में, इन लोगों के अगर अपने घर में अपना ही बेटा खड़ा हो जाए, वो कहे कि मैं करना चाहता हूँ, तो ये लोग उनके आगे भी झुक जाएंगे। दूसरों की बात आती है तो वहां पर ये कहते हैं, इनके फतवे जारी हो जाते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते। मैं अपने बेटे को जान नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है कि उनका मैंने देखा, उनकी वालदा का प्रोग्राम, उनकी वालदा का इंटरव्यू देखा है, सोहन भाई का मैंने इंटरव्यू देखा है, सब कुछ देखा जाता है, रिश्ता साहब बता रहे हैं, उनकी मैंने बातें सुनी है। अगर ये लोग निकले हैं तो अपनी तरफ से निकले हैं, अपने ये लोग अपने आप को फेस करके आगे गए। सही बात है, सही बात। इनके किसने सर पे हाथ तो नहीं रखा? तो ये सब झूठे, इनको सच कि इनको तंग करने के लिए लोगों को, कि उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं इनको इनकी दाद देता हूँ, इनकी उन्हें बोल दिया, इनको किसी ने दाद तक नहीं दी। अगर जो हालात उनके अपने घर में कुछ हो, कुछ ऐसा हो कि वो कुछ लोग हालात के पीछे मजबूर होकर लोग पता क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है, क्या क्या कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया इमरान, आपसे बात की। उज्मा, आप मुझे बताओ कि आपने शौक के तहत डांसिंग शुरू की या जरूरत के तहत? नहीं, ये तो मैंने शौक के जरिए स्टार्ट किया था, शौक के ही लिए, जरूरत के लिए नहीं थी। नहीं, मेरी जरूरत तो नहीं थी, पर शौक था तो स्टार्ट कर लिया। शौक क्यों था? हालांकि इतना माशरे में अगेंस्ट, मैंने जार से भी बात पूछी कि इतना अगेंस्ट है माशरा इस चीज के, हर कहते हैं कि ये क्या कोई काम है करने वाला, मतलब देखिए एक बात है कि माशरे को देखकर तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बात को उछालते हैं ना, उन्हीं के दिल में बहुत खोट होता है, उन्हीं के अंदर बहुत खोट होगा। ये अगर दूसरी लड़की ये काम करे, टीवी पे आ रही है, डांस कर रही है, मॉडलिंग कर रही है, तो वो बुरी है। अगर उनकी खुद की बेटी होगी और वो चाहेगी कि मैं
कोई डिजाइनिंग कर लूं, मैं मॉडल बन जाऊं, ये कर लूं, तो वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर किसी और की बेटी ये करना चाहे तो बुरी है। इमरान है मतलब लाहौर से, हैदर आवान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। क्यों आप जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं और कर रही हैं, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं रहता हूँ कनाडा में, लेकिन मैं आप पाकिस्तान आया किसी खास मकसद के लिए। अच्छा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो आपने क्लिप दिखाया था जी, वो जो क्लिप है ना, उसमें हमारे मुआशरे के दो फेसेस बनते हैं। जो लोग कमेंट आपने दिए हैं, उनके घरों में जो इंडिया के प्रोग्राम है ना, इंडिया के जी जो डांस प्रोग्राम है वो दिखाए जाते हैं, लेकिन बाहर आके कुछ और चीज बता दे। मैं ये बताना चाह रहा था जी कि द प्रोग्राम यू आर डूइंग इज अ वंडरफुल। थैंक यू सर। प्लस इट इज फॉर ह्यूमैनिटी एंड इट इज फॉर पीस। थैंक यू सर। गुजारिश मेरी छोटी सी गुजारिश, देखें लोग ऐसे ऐसे हैं जो कि घर में तो कुछ और होता है, और इन लोगों को जो बेचारे वो इंजीनियर हैं, इंजीनियर इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, और उसकी रिसर्च कर रहे हैं वो बेचारा, यानी अपने एक प्रोफेशन लेके आया, तो लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ प्लस बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहेंगे आप लोग आपके बारे में? नहीं, मेरे बारे में क्या कहना है मिया? उमेर आपने कॉलर कॉल सुनी? हाँ जी, है चाय पिला दें भाई इनको। उमेर कैसा फील होता है जब इतने सारे तल्ख जब फीडबैक और लोगों के अल्फाज आ रहे होते हैं, उसमें कहीं आपको एक कोई एक अच्छा इंसान आपको कॉल करता है, क्योंकि आज शो पे इतने अच्छे लोगों ने कॉल किया और ये कहा कि लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिलती। क्या चाहते हैं, क्या फीडबैक है, और अब क्या कहना चाहेंगे? वक्त बड़ा महदूद है, जल्दी जल्दी सबसे मैं एक एक जुमला जरूर लूंगी। जी हाँ, इमरान साहब की मैंने कॉल सुनी, उनकी भी सुनी, और ये जो इनकी अभी कॉल आई थी, और उन्होंने काफी अच्छी बातें की। और इस तरह के लोग हमें आम लाइफ में भी मिलते हैं, जो मतलब काफी अप्रिशिएट करते हैं, और ये अप्रिसिएशन ही शायद वो एक फ्यूल का काम करती है, जिसकी वजह से हम अभी तक काम कर रहे हैं। ये तो शायद हम लोग छोड़ चुके होते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत जरूरी हैं, और शायद इनकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। Absolutely, शायद इन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच उमेर, हमारे साथ रहने का लाहौर से। आई होप कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मेहनत के साथ, इज्जत के साथ, और अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे। जिस काम में मेहनत होती है, कबूल करने वाली जात ऊपर की है, उसको जब कौन सी बात कुछ भा जाए, इंसान बंदा क्या कह सकता है। बहुत शुक्रिया उमेर हमारे साथ लाहौर से रहने का, थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू अली साहब, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शिकायत करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं मुझसे? नहीं, सबसे कहना चाहूंगा डांस के हवाले से बात करूंगा, बातें तो खैर बहुत सारी हैं, डांस के हवाले से बात करूंगा। डांस के लिए आपने मुझे बुलाया है, और यही बात करूंगा कि डांस इतना बुरा हो गया है, यहाँ पे कोई नहीं कबूल कर रहा। जितनी भी डांसर है ना, बड़ी बड़ी जो नाम है, सब दो ही तीन नाम है, वो शादियों पे शादियां कर रही है, बट डांस के लिए कुछ नहीं कर रही वो। और जितने भी कथक डांसर हैं, वो बेचारे अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं, इस फील्ड से तो कुछ मिल नहीं रहा। कुछ ने शादियां कर ली हैं, कुछ मेरे जैसे वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं। सोनू, मैं तो बस यही कहूंगा कि इंशाल्लाह जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम ये दुआ करेंगे अल्लाह से कि भाई हमें सपोर्ट करें, लोग मजाक में उड़ाएं जैसे पहले उड़ाते थे। और अभी भी लोग मजाक उड़ाते हैं? अब तो ही उड़ाते, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वीडियोस कर रहा था, जब तो मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे, मैं लियाकताबाद से बल्दिया टाउन पैदल आया अपने घर पे, है रात के 3 बजे, लियाकताबाद से बल्दिया टाउन पैदल जी, लिफ्टें ले लेके, ट्रक पे कभी, बस पे, सुजुकी पे कभी, किस तरह, मेरे पास किराया तक नहीं होता था।